सॉरी थोड़ा सा जोर से बोलो. हाउ डू यू लाइक द मूवी? आई फील द मूवी इज ब्यूटिफुल. इट हैज लॉट ऑफ डेप्थ इन इट एंड फ्यू पॉइंट्स वेयर आई फेल्ट वाज वेरी लाइक नीडेड मैसेज लाइक व्हाट आई हैव बीन सेइंग. आई रियली लाइक दिस वन सीन वेयर रिचा इज telling her father that, you know, when he's asking her why did you do this and all, and then when she's replying small city, small minded, like narrow minded. And you know, I think it's like sort of a message of, you know, that education needs to be there, because you know what she was doing and the boy was doing, it's nothing like what was bad. And you know, few things needs to get more like educated and modern and, you know, open-minded. So yeah, and I feel it's beautiful also how, you know, they're showing these two people who have gone through something similar and they're heartbroken, and then suddenly how they meet, how they, you know, attract each other somehow and meet at the same place, and then they start their own journey. So yeah, beautiful movie. Of course, it's a very beautiful and strong role that she has done. So yeah, amazing. जी मैंने देखा बजाऊंगी भाईजान और मुझे बहुत अच्छा लगा. और कुछ पूछने नहीं? अच्छा, किस किस को प्यार करूं देखना है 25th of September. Bye. चलो 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 एक मिनट. मसान इज ट्रूली अ कमिंग ऑफ एज ऑफ हिंदी सिनेमा. द राइटिंग, द डायरेक्शन, द फोटोग्राफी एंड द एंसेंबल एक्टिंग इज सुपरलेटिव, एंड आई एम रियली प्राउड दैट वी आर इन द टाइम्स व्हेन अ फिल्म लाइक मसान इज मेड. ऑल बेस्ट टू एवरीबॉडी. इट्स अ मस्ट वॉच. जी मैं यही कहना चाहूंगा दैट व्हेन आई कम टू सी दिस फिल्म आई न्यू दैट आई एम गोइंग टू सी अ वेरी गुड फिल्म, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम टोटली टेकन अबैक. आई एम ओवरऑल्ड. इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म हिंदी सिनेमा हैज मेड. इट परफेक्ट एंड एवरी परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, कैमरा वर्क, एक्टिंग, राइटिंग, इट्स अनबिलीवेबल. इट्स अनबिलीवेबल. It's a very good film from any standard of the world. All the best, Team Masam. बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत अच्छे से लिखी गई है, बहुत अच्छे से डायरेक्टेड है और बहुत खूबसूरत काम किया है सारे एक्टरों ने. यानी मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या देखने आ रहा हूँ, और जब इतनी एंगेजिंग फिल्म है कि एक ही बात का मजा आ गया. वही सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी, स्पेशली विकी कौशल, जो श्याम कौशल जी के बेटे हैं, उन्होंने इतना मैं कहूँगा कि ऐसा परफॉर्मेंस दिया है जो लगता ही नहीं कि कोई परफॉर्म कर रहा, लगता नहीं कि कोई एक्टिंग कर रहा है, और एकदम एफर्टलेस है उनका परफॉर्मेंस है, जो बहुत नेचुरल है और लगता है कि किसी एंगल से फर्स्ट फिल्म में काम कर रहे हैं. सब्जेक्ट को लगता है मुझे रिवील नहीं करना चाहिए, वो सबको देखना चाहिए, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि देखिए हर अलग किस्म का सिनेमा होता है, और बॉक्स ऑफिस ये बॉक्स ऑफिस हमें फिल्म को तोलना ही नहीं चाहिए. अच्छी फिल्म ये देख के फिल्म सालों तक हमारे अंदर रहेगी. आप कई फिल्में देखोगे बॉक्स ऑफिस में जो अगले दिन भूल जाओगे, तो मुझे लगता है ये फिल्म सालों तक आपके जहन में रहने वाली है. दैट मैटर्स मोर देन अ बॉक्स ऑफिस. नहीं, बहुत खूबसूरत फिल्म है, और डेफिनेटली इस फिल्म को जितना जितने लोग देखें, जितना लोगों तक ये पहुंचे, और मुझे लगता है ऐसी फिल्म पहुंच जाती है, उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमको वो अपना
अपनी राह ढूंढ लेती है. थैंक यू.